हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लिंगल वाणी पर। मैं हूं दिलीप शंकर यादव और हम लोग देख रहे हैं भारत के भूगोल। भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय देखा। भारत के सामान्य परिचय के पश्चात हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में यह देखा कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना क्या है और पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, क्योंकि भारत पृथ्वी का भाग होने के नाते जिस समय पृथ्वी पर चीजों का निर्माण हो रहा था, पर्वत, पठार, मैदान, उसी समय भारत पर भी इन चीजों का निर्माण हो रहा था। पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, चट्टानें वगैरह निर्मित हो रही थी और जीव जंतु विकसित हो रहे थे। तो हम लोग देखते हैं अब भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी देश की भूगर्भिक संरचना को जानने के लिए वहां पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति और उसके स्वरूप पर उसकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और इसका अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन पूरा चुंबकत्व शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसके अंतर्गत भूवैज्ञानिकों के द्वारा भूगर्भ में होने वाली घटनाओं के आधार बनाकर के उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका अध्ययन कभी कभी पूछ जाता है कि चट्टानों की प्रकृति का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पूरा चुंबकत्व शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और इसके अंतर्गत भूवैज्ञानिकों के द्वारा भू हलचल और उन चीजों के जो घटनाएं घटी उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। भारत को भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं, जैसा कि हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं, ये भारत का हूबहू तो नहीं लेकिन फिर भी मान लीजिए मैप दिखाई दे रहा है। तो इस मैप में जैसे कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले निर्मित हुआ, उसके पश्चात उत्तर की विशाल पर्वतमाला, लास्ट में भारत का विशाल मैदान भाग का निर्माण हुआ। और इसमें ये चीजें कहाँ कहाँ है निर्मित है, जैसा कि मानचित्र में हम लोग देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में है, किधर है कि दक्षिण में। उसके पश्चात किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला का, जो कि ऊपर से इस तरीके से निर्मित हुई है और हिमालय के इधर कुल्लू पहाड़ियों से लेकर के जो है कि किरथर वगैरह और हिमालय पूरा रेंज जो है यहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और नीचे जो है इधर है नीचे की तरफ भी जो डेवलपमेंट हुआ है इसका, ठीक है। और बीच में विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, जैसा कि एक महोदय थे अल्फ्रेड वेगनर महोदय, इन्होंने पूरा चुंबकत्व शाखा को आधार बनाकर एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना कि जो महाद्वीप है हमारे सातों महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों का विस्थापन एक दो, क्योंकि पृथ्वी गोल थी और गोल होने के बाद जब इनका विस्थापन हुआ एक दूसरे से टूटे, तो ये अपने में अलग अलग महाद्वीप के रूप में निर्माण हुआ। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसको आधार बना करके महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। अब यहाँ लोग आप लोग सोचेंगे कि गोंडवाना लैंड क्या है, तो भारत जैसा कि पृथ्वी गोल थी और पृथ्वी गोल होने के पश्चात यह दो भागों में विभाजित हुई थी, पहला अंकारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भाग आते हैं, जबकि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, जैसे कि इधर मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका यूरोप है, ये पूरा एशिया का भाग आता है जिसमें भारत का भी है।
ठीक। इसके बाद आ गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका इधर है, यहां बीच में जो है क्या है, अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर अंटार्कटिका है। तो ये पांचों, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। और इन्होंने बताया या सिद्धांत दिया कि जो अल्फ्रेड वेगनर में होते ने जो सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इन्होंने यह बोला कि भारत जो है जो यहां आके के चिपका हुआ है वो क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से विस्थापित होकर के और यहां से जब ये टूटा, यहां जा आप लोग देखेंगे अफ्रीका के मैप में तो लगेगा कि यहां बिल्कुल फिक्स हो जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ भाग इसमें जो है कि ऊपर जो इस तरीके से है तो उसको लगेगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है कि भारत का यहाँ फिक्स हुआ था और इधर जो है कि इसका पश्चिमी घाट जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था। तो इसका जो है ये जब टूटा तो ये जाके के इंडियन प्लेट जो थी, इसको इंडियन प्लेट बोला जाता है, तो ऊपर जो है तो इंडियन प्लेट क्या हुई कि अपने से विशाल प्लेट से जाकर के यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन से प्लेट से टकराई और टकराने के फलस्वरूप जो बीच में टेथिस सागर था उसमें जो मलबा वगैरह थे और शादी शैल वगैरह थे वो जो है दोनों तरफ से टकराहट के फलस्वरूप ऊपर उठे और उसके पश्चात हिमालय या उत्तर के विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक। और उसके पश्चात जैसा कि और इस टेथिस सागर के हिमालय का निर्माण हुआ और इस टेथिस सागर के हिमालय के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात ऊपर जो है हिमालय के दक्षिणी भाग में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग के बीच में एक भ्रंश घाटी, मतलब जो है उसमें घाटी का निर्माण हुआ और इसके पश्चात धीरे धीरे इनके अवसादों से और रूपांतरित और परिवर्तित होने के पश्चात जो अवसाद इनमें कलेक्ट हुए उससे जो है और नदियों के द्वारा बाद में जो है जो मिट्टी और बालू वगैरह ले आए गए उससे जो है आपका मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि भारत का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था जो सबसे प्राचीन है, उसके पश्चात जब प्लेट टकराई तो इसमें जो है आपका हिमालय का निर्माण हुआ और इनके बीच में जो घाटी बनी और घाटी घाटी में जो इनके द्वारा मिट्टी और अवसाद वगैरह लाए गए उनसे जो है मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो ये हम लोग देखा क्या कि किस प्रकार से निर्माण हुआ और इसी भू संरचना की दृष्टि को आधार बनाते हुए भारत को भू संरचना की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वत मैदान और फिर उत्तर का विशाल मैदानी भाग जिसमें लास्ट में डेवलप हुआ। तो इस तरीके से इसी क्रम में इसको आधार बनाया गया और इस तरीके से विभाजित किया गया। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को उसके निर्माण क्रम के आधार पर छह भागों में विभाजित किया गया है जिसमें सबसे पहले जब पृथ्वी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग देखेंगे और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को उसकी संरचना के आधार पर छह भागों में विभाजित किया गया है कि किस प्रकार से उस पर चट्टानों का निर्माण हुआ और किस प्रकार से बाद में उन चट्टानों में बदलाव होते होते हुए किस प्रकार से अपरदित अपरदित के पश्चात और क्या क्या बनी उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जब प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो आग्नेय शैल जो पृथ्वी ठंडी हुई तो उसके पश्चात जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और उसके उसी क्रम में
आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात इसके अक्षय पदन से, मतलब जो है कि जब ये घिस करके और उसका रूप परिवर्तित हो गया, तो उससे जो चट्टाने बनी वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने थी। और इनके परिवर्तन के पश्चात कुडप्पा क्रम की चट्टाने बनी। और इन चट्टानों में जो रूप परिवर्तित हुआ और जो घिसने के बाद जो पर्वत पठार मैदान बने, वो जो है सॉरी मैदानी पर्वत बने, उनको बिंद क्रम की चट्टाने कहा जाता है। बिंद क्रम की चट्टानों के बाद उनके अक्षय पदन से गुंडवाला क्रम की चट्टाने बनी और लास्ट में दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये तो हुआ कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन क्रम की चट्टानों से हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इन चट्टानों का क्रम पूछ दिया जाता है, इन चट्टानों के क्रम में ठीक पूछ दिया जाता है कि दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सबसे पहले और किस क्रम में उन चट्टानों का निर्माण हुआ उसको पूछ दिया जाता है। तो आप याद कर सकते हैं आधार, इसको जगह अगर मान लीजिए ऐसे सूत्र बना लिया जाए कि क्या जो हमेशा हमारे दिमाग में रहे, तो उसके लिए क्या है, इसका आ ले लीजिए आगे वाले का आ, धार का धारवाड़ का धार ले लीजिए और कुडप्पा का कूड़ा ले लीजिए, ठीक है, कुडप्पा बिंदे का वी ले लीजिए, गो का गोंडवाना लैंड का गो ले लीजिए, अद्दा को दक्कन का द। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, आधार अब मान लीजिए इसमें लगा लीजिए कूड़ा, आधार कूड़ा वी दो, अगर मान लीजिए गो को गो न कर दे वी दे इसको दो बना दे, तो आधार कूड़ा बी दो। अब इस तरीके से अगर हम ध्यान में रखे रहेंगे तो चाहे हमको इनका क्रम अक्षर से याद हो चाहे ना याद हो, हम इस सूत्र के आधार पर यह बता सकते हैं कि किस क्रम में इन चट्टानों का निर्माण हुआ और हम क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इन चट्टानों की क्या विशेषता है और इन चट्टानों में क्या क्या चीजें निर्मित हुई और किससे निर्मित हुई, इसको हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग इन चट्टानों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण किस काल में हुआ और इनकी क्या विशेषताएं थी। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन या पूरा कैम्ब्रियन काल में हुआ, जो सबसे पहले अर्धकाल या पूरा कैम्ब्रियन काल में हुआ। इन चट्टानों की विशेषता यह थी कि सबसे प्राचीन या सबसे प्राचीनतम चट्टान है और यह प्रथम चट्टान है। इसका निर्माण जब पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान आर्कियन शैलों से बनी उनमें से यह है। और यह किससे निर्मित थी, इस पर नीस सिस्ट ग्रेनाइट साइनाइट वगैरह से यह निर्मित हुई। और इसका जो है निर्माण कहाँ का हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के भागों में पाई जाती हैं। यह आग्नेय शैलों से निर्मित चट्टान थी और इसमें पूर्णतः जीवाश्म का अभाव था, क्योंकि जब चट्टान जब ठंडियों की पृथ्वी बनी तो उस पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, तो उस समय जीवाश्म का अभाव था। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों की नींव भी हिमालय के तलहटी में या हिमालय की रीढ़ कहा जा सकता है जिसमें है। और इन्हीं जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इन चट्टानों का उसमें आधार है, तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का जिसमें अग्नेय चट्टानें उनकी रीढ़ के रूप में हैं। इसके पश्चात इनके अक्षय और अपरदन के पश्चात जो चट्टान बनी उसका नाम था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और यह चट्टान आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जिन चीजों का निर्माण हुआ उनका मूल्य बहुत ज्यादा है और उनका उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें के निर्माण हुआ सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मैंगनीज,
टंगस्टन इन चीजों का निर्माण हुआ और इनका क्षेत्र क्या था, इनका क्षेत्र भी लगभग वही था कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उसके अलावा असम और हिमाचल प्रदेश में भी इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह इनके अक्षय और अपरदन से जो औषधि शैलों का निर्माण हुआ, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने प्रथम औषधि शैल थी और इसमें ही इसके अंतर्गत ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जो कि आपका दिल्ली से लेकर के गुजरात तक के जो है क्षेत्र में इनका निर्माण हुआ और यह अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण पूछ लिया जाता है कि किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हुआ, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण अंतर्गत हुआ। और आर्कियन क्रम की चट्टाने और धारवाड़ क्रम की चट्टाने दोनों जो है प्री कैम्बियन या पूरा कैम्बियन युग के अंतर्गत हुआ। इसके पश्चात इनके अक्षय अपरदन के फलस्वरूप जो घिसने के पश्चात जो है चट्टाने मिली वो है कुडप्पा क्रम की चट्टाने और इनका निर्माण प्रोटोजोइक युग के अंतर्गत हुआ। और इन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत क्या विशेषता है, इनमें लोहा, मैंगनीज, संगमरमर वगैरह पाए जाते हैं और यह जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंतर्गत इनका विस्तार है। इसी के अंतर्गत इन्हीं क्रम की चट्टानों का निर्माण के अंतर्गत कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, पापा धानी की पहाड़ी इनके अंतर्गत और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ जो प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार पूरा उसका पूर्वी घाट का निर्माण जो है आपके कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हुआ, यानी प्रोटोजोइक युग के अंतर्गत जो है पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। अब इसके पश्चात आता है विंध्य क्रम की चट्टाने जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के फलस्वरूप जो चट्टान बनी उनके अक्षय अपरदन से और यह नदियों के द्वारा उनके अवसादों से निर्मित है। तो गंगा के द्वारा लाए गए अवसाद और दक्कन के मध्य जो चट्टान बनी वह जो है विंध्य क्रम की चट्टाने होंगी। और विंध्य क्रम की चट्टानों की खास इंपॉर्टेंस क्या है, इन यह लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है क्योंकि घिस घिस करके नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी और साथ वगैरह से बना हुआ है। तो और दक्कन के ट्रैप से जो है कि जो घिस करके आगे बढ़े उनसे जो है मिट्टी और साथ से जो निर्मित हुआ वो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इनकी खास विशेषता है। और इन्हीं लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थरों से सांची के स्तूप का निर्माण हुआ, लाल किला का निर्माण हुआ, जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। और विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही हीरा की खान पाई गई जो गोलकुंडा की हीरा की खान और पन्ना के हीरा की खान इसी के अंतर्गत इन्हीं क्रम की चट्टानों के अंतर्गत पाए गए। और यह जो है इन विंध्य क्रम की चट्टाने इसके पश्चात गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वार्टरनरी समूह का यह निर्माण कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक पीरियड के अंतर्गत हुआ है। ठीक, अब विंध्य क्रम की चट्टानों के पश्चात गोंडवाना क्रम की चट्टाने निर्मित हुई। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयला का निर्माण किस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हुआ, तो कोयला का 98% भाग है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हुआ और यह परतदार चट्टाने हैं। यह जो है परतदार चट्टाने हैं, इसमें इसी के अंतर्गत जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत या कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत जो है मछली और रेंगने वाले जीव का निर्माण हुआ और इनके अवशेष जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत पाया गया। इसी कारण से इसमें सबसे ज्यादा कोयले का भाग पाया जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में जो है आपका तापी ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है जैसे झारखंड,
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एरिया में जो है तापी संयंत्रों का निर्माण किया गया है। इसके बाद आता है इनके अक्षय पतन के फलस्वरूप जो चट्टान बनी वह है दक्कन कोलंबी चट्टान है, और इनका इनका निर्माण क्रिटेशियस से ईओसीन यानी इन्हीं के अंतर्गत जो है इनके मध्य में हुआ, और इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ, मतलब ज्वालामुखी के फूटने के पश्चात जो और उनके अक्षय पतन से जो चट्टाने बनी वह है दक्कन कोलंबी चट्टाने। इन चट्टानों में के इन चट्टानों से जो अक्षय पतन से जो मिट्टी निर्मित हुई उसके द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और काली मिट्टी का निर्माण कहाँ सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र और गुजरात में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि काली मिट्टी का जो है एरिया कहाँ सबसे ज्यादा है, तो वह महाराष्ट्र और गुजरात में है। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, तो काली मिट्टी आपका कपास की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए जो सूती वस्त्रों के मिल वगैरह स्थापित किए गए महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में स्थापित किए गए, क्योंकि यहाँ कपास वगैरह उगाया जाता था। इसके बाद दो और समूह आते हैं जैसे टर्शियरी समूह, और इन समूह के अंतर्गत टर्शियरी के अंतर्गत हिमालय के जो है भाग का निर्माण हुआ। इसका निर्माण ईओसीन से जो कि कार्बोनिफेरस के मध्य में है, ईओसीन से प्लायोसीन के अंतर्गत हुआ, और पूरा जो है हिमालय का जो भाग देखेंगे तो हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग देखेंगे तो किरथर से लेकर के जो कि हिमालय के मतलब आप चले जाइए जो है जम्मू कश्मीर के पार करके जो है कि पाकिस्तान की तरफ और जो है कि अफगानिस्तान की तरफ, उधर जो है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के किरथर सुलेमान फिर कश्मीर हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उत्तर पूर्वी हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद जो है कि अरुणाचल प्रदेश और इधर अरुणाचल नागालैंड इन सब के इधर जो है किनारे वाले भाग में अराकोना योमा पहाड़ी का निर्माण हुआ, और इसी टर्शियरी समूह के अंतर्गत ही जो तटीय एरिया था जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का तटीय एरिया उनका भी निर्माण हुआ, और यह मुलायम मतलब नरम वगैरह है नरम है और मुलायम है। इसके बाद लास्ट में आता है क्वार्टरी समूह, क्वार्टरनरी समूह, इनका निर्माण प्लिस्टोसीन के अंतर्गत हुआ, और इसका इसके अंतर्गत जो है कश्मीर घाटी और अन्य घाटियों का निर्माण हुआ जो सबसे ज्यादा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इनके अंतर्गत जो जो पर्वत पठार वगैरह थे उनके बीच में जो घाटियां बनी वह मैदानी एरिया जो है कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया हम लोग पढ़े क्या कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बारे में, और इसके बारे में कि इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों में देखेंगे। इनमें दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों को हम अलग से देखेंगे, और उसके पश्चात हम उत्तर भारत की विशाल मैदान भागों के बारे में देखेंगे कि उसकी क्या विशेषता है, और वो उसका आर्थिक क्षेत्र में और अन्य चीजों में क्या योगदान है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इनसे लाभान्वित हो रहे होंगे, और हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और द लीगल वाणी को शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।